हम सब क्रिकेट फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के स्केड्यूल की। 23 जनवरी को अनाउंस हुए WPL 2024 के स्केड्यूल की हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार है। विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत आज से ठीक एक महीने बाद यानी 23 फरवरी 2024 से होने वाली है, जिसमें 5 टीम मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यूपी वॉरियर्स और गुजरात कुल मिलाकर 22 मैचेस खेलेंगे। इस स्केड्यूल के साथ लोकेशंस भी कंफर्म हो चुके हैं। अनलाइक लास्ट ईयर WPL का दूसरा सीजन दो क्रिकेट क्रेजी सिटीज बेंगलुरु और दिल्ली में खेला जाएगा। एंड एज पर द ट्रेडिशंस फर्स्ट सीजन के फाइनलिस्ट्स खेलेंगे इस सीजन का पहला मैच, यानी पिछले साल के चैंपियंस मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा पहला मुकाबला बैंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम। टूर्नामेंट दो पार्ट्स में खेला जाएगा, यानी 23 फरवरी से 4 मार्च तक सारे मैचेस बैंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेले जाएंगे और उसके बाद के सारे मैचेस दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। एलिमिनेटर मैच 15 मार्च को होगा और फाइनल मैच 17 मार्च को स्केड्यूल हुआ है और ये दोनों भी मैचेस अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। पिछले बार की तरह इस बार भी टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ्स के लिए, यानी पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 टीम को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी फाइनल्स के लिए और नंबर 2 और नंबर 3 के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। अब जो WPL 2024 का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, आई एम श्योर आपका भी एक्साइटमेंट का मीटर हमारे जैसे हाई हुआ होगा। लेकिन इस एक्साइटमेंट में WPL से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए फीमेल क्रिकेट को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करना मत भूलिए।